तो दोस्तों काफी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि कोई अच्छा सा किड्स कैमरा लेकर आओ। वैसे तो मैंने एक साल पहले एक दो कैमरे अपलोड किए थे, वो काफ़ी अच्छे थे, लोगों ने पसंद भी किया था, बट उसके बाद से ऐसा कुछ मुझे ऑनलाइन दिखा नहीं। बट फिलहाल मुझे एक ऐसा कैमरा मिला है जो वाकई में पिछले वालों से थोड़ा सा बेहतर है, या कहिए एडवांस है। तो ये है ब्लेसबी का किड्स कैम रिकॉर्डर। वो पता है ना, मूवी शूवी ऐसे बनती है, रियल वर्किंग है ऐसा इसमें लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें आपको ओपन करने के बाद में पता चलेगी। और इसका जो प्राइस है दोस्तों, बता देता हूँ, 3000 रुपये का है, ये बहुत महंगा है। तो बिना किसी तरीके जल्दी ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं 3000 के लायक है ये कैमरा या नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है हमारा बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ब्लेसबी की तरफ से ये आता है। और कुछ फीचर्स आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे वीडियो कैप्चर आप कर सकते हो, फोटो कैप्चर कर सकते हो, कनेक्ट टू योर कंप्यूटर काफ़ी अच्छी बात है, और बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी, ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे सेल वेल खर्च नहीं होंगे। और मेमोरी जो है वो एक्सपेंडेबल है, काफ़ी इंप्रेसिव डिटेल्स। पीछे प्राइस जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों 3000, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए अमेज़न पे अगर देखते रहोगे तो। कुछ यहाँ पे स्कैन करना है ऐप, तो अब जो है ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या था भाई, तो सबसे ऊपर ही हमको मिल जाती है भैया एक कैरी करने के लिए जो हम कैमरे पे लगाते हैं साइड में स्ट्रैप। ओह मैं बता नहीं सकता हूँ कितना अच्छा यहाँ पे फील इस वक्त आ रहा है इस प्यारे से कैमरे को। ओहो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है दोस्तों। इसे थोड़ी देर साइड रखते हैं, नीचे देखते हैं। तो दोस्तों एक इंस्ट्रक्शन, ये तो बिल है मेरा यार, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कौन सी इंस्ट्रक्शन है। ओके ये खाली हो चुका है, यहाँ पे अंदर हमको दिख रहा होगा एक जो केबल मिल जाती है जिसको हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों अपने इस कैमरे से कंप्यूटर को। और एक और यहाँ पे हमको स्ट्रैप मिलता है कुछ इस तरह का। ओके सीधा सीधा कैमरे की एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मिनी कैम रिकॉर्डर, और फर्स्ट लुक में यार बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फिलहाल जल्दी से एक बार चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट में ये है इसका भैया लेंस कह सकते हो, और उसके इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे हमें वो जो हैंडी कैम बनाने के लिए स्ट्रैप मिला हुआ है। सिंपली मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसे आपने ऐसे करना है और ऐसे घुमा देना है, बहुत आसान था। इसको भी ऐसे लगाइए, ऐसे घुमा दीजिए, अब देखिए ये कहीं नहीं जाने वाला है। हाथ भी देखिए, जब मेरा हाथ आ गया तो आपका तो आसानी से इसके अंदर घुस जाएगा। अब सिंपली आपको इसको फ्लैप को हटाना है। ओहो अभी जो है कितना बढ़िया लुक यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। बट उससे पहले आपको बता दूँ, नीचे जो है यहाँ पे कुछ स्लॉट दिए गए हैं, तो ये है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, उसके बाद रीसेट बटन या कहिए पिन दबा के वो रीसेट हो जाता है कैमरा वो, और USB का ये पोर्ट है। तो दोस्तों इसमें जो है हमें मेमोरी कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ दिया नहीं हुआ है। तो ये मेरे पास मेमोरी कार्ड है और इसको मैं एक बार इसमें फिट कर देता हूँ। तो मेमोरी कार्ड लग चुका है, अब जो है मैं स्टोर कर सकता हूँ, मन मर्जी से फोटो खींच सकता हूँ जितनी चाहे उतनी। फिलहाल ऑन करने के लिए ये यहाँ पे बटन दिए गए, इसे ऑन करेंगे हम। ओह यार स्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर फिलहाल दिखाई दे रही है, बट कैमरा का ओपन होगा, अभी कैमरा ओपन नहीं है दोस्तों। अभी इंटरफेस कुछ इस तरह का, यहाँ पे 6 ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं। सबसे जो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा पहला ऑप्शन फोटो का, उसके बाद ये है वीडियो का, उसके बाद में ये है हमारा वॉइस रिकॉर्डर शायद, उसके ठीक नीचे ये है गैलरी, ये है गेम्स, गेम्स आपको दिखाऊंगा कौन सा है इसके अंदर, और यहाँ पे सेटिंग का बटन है। तो सबसे पहले फोटो को एक बार ओपन करते हैं, ये है ऑन करने के लिए। तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, ओह अरे तो सर क्वालिटी यार काफ़ी सही क्वालिटी आ रही है यार इसमें, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी, मुझे लगा था ऐसी लोकल फोकल सी आएगी, बट यार 3000 रुपये का है। फिलहाल और भी शॉट लूँगा ओरिजिनल दिन में रात में, फिलहाल ये रात को लाइट में जो कह सकते हो स्टूडियो लाइट में मैं शूट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कलर्स में थोड़ा फ़र्क आएगा, बट दिन में असली परीक्षा भैया इसकी दिन में होगी। तो इस तरह से अगर हमें शॉट लेना है तो मैं अभी ऑन कर इसे क्लिक करता हूँ, फोटो खींच चुकी है दोस्तों। अब जो है हमारा कैम रिकॉर्डर ओपन हो चुका है, और जैसे ही मैं इसे बटन दबाऊँगा
बैटरी लो का सिग्नल आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसे चार्ज कर लेते हैं फिलहाल, रुके इसे मैं बंद कर लेता हूँ। अरे बैक हो जा, बंद ही हो गया वो, बैटरी लो गई जिसकी वजह से बंद हो गया। फिलहाल फंक्शन ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ये अप एंड डाउन के लिए है, ये है यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन, ये आप कह सकते हो कि बैक का बटन, और ये हो गया क्लोज का बटन। कितना ओपन क्लोज होता है इतना ही होता है, उसके ऐसे 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 ये क्लोज हो जाता है। तो यही थे इसके फंक्शन। अब जल्दी से कुछ सैंपल्स यहाँ पे मैं लेता हूँ फोटो के और वीडियो के, एक्चुअली उससे देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वालिटी कैसी है, और दिन रात दोनों टाइम सैंपल लूंगा। तो फिलहाल के लिए जल्दी से करते हैं इसकी टेस्टिंग और मिलते हैं एक क्विक रिव्यू के साथ में। चलिए दोस्तों, वक्त हो चुका है शाउट आउट का। कल के वीडियो में सबसे पहला कमेंट था हैरी मान, मनीषा मांचलूकर, आदित्य गेमिंग, शमशेर सिंह, थोड़ा ऊपर जाएंगे बीकेजे प्लेज, एस नालिनी, ऊपर हाजी परवेज, थोड़ा ऊपर आदित्य कुमार सिंह, उसके बाद माधव गेमिंग कॉर्नर, देव दाखन, उसके बाद में मेगा प्लेज रोबलिक, समृता घोष, वनिष्क जी, कैली आर्ट एंड क्राफ्ट विहार, मोहिते मैरी मिटलिंडा, गुंजन म्यूजिक, शालला वाह शालला, प्रिंसेस वर्ल्ड, राजेश कर्जावा और नैन टेस्टिंग तामांग, उसके बाद ऑल इन वन मंजू नेहरवाल, और लास्ट में आशुतोष वर्षे। तो यही थे आज के कमेंट, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब कर रहे हैं इसकी वीडियो की टेस्टिंग, और सामने आपको दिख रहा है टेबल के ऊपर रखा हुआ एक रेसिपी रेस का बोर्ड गेम। जी हाँ दोस्तों, जल्दी इसका वीडियो आने वाला है और बहुत ही कमाल का ये गेम है, इसका गिवर भी होगा और इसी के साथ आपको इसकी क्वालिटी भी आइडिया लग गई होगी कि इस तरह के। बिल्कुल अगर पास से आपको दिखाऊं तो कलर्स वगैरह भी यहाँ पे ज्यादा कुछ फट नहीं रहे, तो मुझे वीडियो का एक्सपीरियंस जो है काफी सही लग रहा है इस कैमरे का। साथ ही जल्दी से वेट करिए भैया, जल्दी आने वाला है रेसिपी रेस। एक बार वॉइस रिकॉर्डर देख लेते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन वॉइस रिकॉर्डर का, जैसे मैं इसे ओके करता हूँ यहाँ पे हमारा जो माइक है वो ओपन हो जाता है। अब जो है मैं इसे ऑन करता हूँ। तो दोस्तों अब जो आप वॉइस सुन रहे हो वो है इस वॉइस रिकॉर्डर की, और उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी हो, कैमरे जितनी तो शायद अच्छी ना हो, बट फिर भी एक बार हम चेक करेंगे। अभी फिलहाल मैं भी नहीं सुन रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाद में जो है रिव्यू के टाइम में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए चलिए देखते हैं अगले ऑप्शन क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों अब आपको कुछ इफेक्ट्स दिखाता हूँ जो अपने आप फोटोज में डाल सकते हैं। जैसे ये है हमारा एक्सरे इफेक्ट, और कैसा लग रहा है यार मैं इसमें। ये ग्रीन कलर की ह्यू यहाँ पे ज्यादा हो गया, पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया स्क्रीन, ये पूरा ब्लू हो गया स्क्रीन, और ये है भैया कोटा फैक्ट्री वाला इफेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट, और ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जिसे आप कह सकते हो। ये बेबी शावर ऐसे बादल बादल, ये कुछ हनी बी टाइप चारों तरफ बन गया, हैप्पी बर्थडे वाला फ्रेम यहाँ पे हमको मिल जाता है, काफी कूल लग रहा है ये वाला फ्रेम। और उसके बाद आगे जाते हैं तो ये भी कुछ हैप्पी बर्थडे टाइप वाला, इसमें आप फोटोशूट कर सकते हो आगे। अबे ये कौन सा इफेक्ट है, मेरे जुड़वे मतलब दो दो हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए आप कैसे कैसे इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों, फोटो आप खींच सकते हो, और ये उल्टा ही हो गया भाई मैं, अबे यार ये कहाँ से निकल रहा है यार। तो ये भी काफी कमाल का इफेक्ट इसमें इनबिल्ट हमको मिलता है। आगे देखते हैं और कौन सा इफेक्ट है, इसमें आपकी चार फोटो आ जाएगी दोस्तों, ये भी काफी बढ़िया इफेक्ट है। ओ हो हो, और ये कुछ रेडिश हो गया। तो वापस बस इतने ही थे इसके इफेक्ट, चलिए एक बार अब गेम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब गेम देख लेते हैं कौन सा गेम है इसके अंदर, और ये है इसके अंदर स्नेक का गेम। ओके करते हैं तो ओके स्नेक हमारा आ चुका है, बहुत ही पुराना गेम, ये नीचे को गया, खाले 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 खाले, इसे मैं तैयार रखता हूँ, ये लेफ्ट में कदम जाने वाला है। ओके तो दोस्तों यही स्नेक का गेम है, एक बार अगर इसे हम दीवार से टकरा के देखें तो देखते हैं कि मरता है कि नहीं। ओए ये तो एक ही चांस मिली यार हमें, तो एक चांस में घुस हो गया और एक ही गेम है यार, इसमें दो तीन होते तो और ज़्यादा बढ़िया लगता है। रिस्टार्ट हो गया यहाँ से, तो इसको बैक करते हैं। तो गेम के नाम पे स्नेक का एक ही गेम और एक ही चांस, तो चलिए अब करते हैं क्विक रिव्यू। तो दोस्तों कैमरे का परफॉर्मेंस तो आपने देख ही लिया है, जल्दी से कुछ बातें आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसका बैटरी बैकअप, तो मैंने लगभग इसे 2 घंटे चार्ज किया, और उसके बाद अगर मैं बैकअप की बात करूँ दोस्तों, आपको अच्छा खासा मतलब 45 मिनट्स का बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा
फोटो खींचने में, अगर रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन करोगे तो फिर तो हो सकता है कि कम भी मिले, बट अभी अभी भी इसमें बैटरी बाकी है। 45 मिनट से मैं इसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में यूज़ कर रहा हूँ, तो बैटरी बैकअप यहाँ पे अच्छा है। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है जैसे पहले वाला कैमरा था, उससे थोड़ी सी इंप्रूव है, बट इसका जो प्राइस है दोस्तों आपको 1600 रुपये से 2000, 2500, 3000 तक की रेंज में मिल जाएगा एज़ पर द डिस्काउंट। तो पुराना लो, जो पुराने वाला कैमरा था वो लो या ये वाला लो, दोनों लगभग मेरे हिसाब से सेम टाइप ही है। और दूसरा इसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं है, तो वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। और कोई एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन नहीं लगा जैसे कि मतलब कुछ अलग ही हो, बट डिज़ाइन वाइज ये थोड़ा सा कूल है, थोड़ा सा अलग है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आपको ये कैमरा अच्छा लगा हो तो आप तो लाइक ज़रूर कर दो। फिलहाल मैं मिलता हूँ जल्दी से किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।